नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में जहां एक ओर क्रिकेट की खुमारी में लोग डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्लों में जल संकट गहराने लगा है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इसके अलावा एक एक्सीडेंट में एक की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा हादसा लोगों की सतर्कता से टल गया है। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। शहर के कई वार्डों में जल संकट गहराया, हैंडपंप पर पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। छतरपुर रेलवे स्टेशन में एक महिला दो नाबालिग बच्चियों के साथ आत्महत्या करने के उद्देश्य से बैठी पटरी पर, लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। जीप और बाइक की तेज रफ्तार भिड़ंत में एक की मौके पर हुई मौत। और 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगी कांग्रेस की किसान यात्रा। नौगांव के कांग्रेस नेता दौलत तिवारी द्वारा सरसेड़ से सिंहपुर तक निकाली जा रही है पैदल यात्रा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। पूरा शहर अब सारी चीजों को छोड़कर क्रिकेट की खुमारी में लग गया है। चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के, सभी ने क्रिकेट की पिच पर राजनीति की बिसात बिछा ली है और अब अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर शहर के हाल देखें तो यहां पर अभी से जल संकट गहराना शुरू हो गया है। वार्ड क्रमांक 14 की बात करें तो यहां पर हैंडपंप पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और लोगों को एक एक घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हैंडपंप बीच में कभी भी पानी छोड़ देता है। इसके अलावा अन्य मोहल्लों में भी इस तरह का संकट गहराने लगा है। कितनी परेशानी पड़ती है ऊपर जा चढ़ने में आने में। क्या चाहती है? पानी चाहे। पाइपलाइन है यहाँ पर? पाइपलाइन नहीं है। आप कैसा सब होना चाहिए? पाइपलाइन आ जाए, हम तो काट के नालो लग जावे। अभी परेशानी पड़ती बहुत ज्यादा। बहुत परेशानी है, पानी बहुत दूर से लेने जाने। पूरे दिन पानी भरा भरा था, काम भी नहीं कछु कर पाए। अब लगवा दो सब नल भी लग जाए और तो भी अच्छे रहे। कितनी दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए? बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पानी में बिजी है सब। और कुछ काम धाम भी कर पाते हो कि नहीं? नहीं, कौन सब काम करा जी, ये सब भर रहे थे पैर फालतू कर रहे। कैसा होना चाहिए पानी की, कैसी सुविधा आप लोग चाहते हो? पानी की नल लग जाए, चाहे लैंड डर जाए, कुछ भी तो हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए बस। छतरपुर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि एक महिला अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ पटरी पर लेटकर सुबह की पैसेंजर ट्रेन से आत्महत्या करने के विचार से वहां पर बैठी थी, तभी आसपास के लोगों ने उसे देखा और 100 डायल को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उन लोगों को वहां से समझाइश देकर हटाया गया। अगर समय रहते इन लोगों को यहां से नहीं हटाया जाता तो एक महिला के साथ दो मासूमों की जान जा सकती थी, वहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। महिला से जब जानकारी ली गई तो महिला संपत कुशवाहा ने बताया कि उसके पड़ोस के ही किसी पंचम नाम के एक युवक ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से वो परेशान है। रेलवे स्टेशन के पास एक फोन आया था, तो डायल 100 को पहुंचाए थे वहाँ पे। एक संपत कुशवाहा करके लेडी है, अपने दो बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन के पास गई थी। उनका ये कहना है कि उसके पति मकान की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम से कराया है, तो पति से परेशान होकर के वो रेलवे स्टेशन गई थी। उनका सुसाइड करूँगी मैं, तो समय पे पहुंच करके उसको सुरक्षित थाने लेके आए।
पति की तलाश की जा रही है। छतरपुर में आरआई के पद पर पदस्थ छोटे लाल अहिरवार नाम के एक शख्स की एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई है। एक्सीडेंट मऊसाहनिया में दुबे रिसोर्ट के पास हुआ, जिसमें सामने से आ रही एक जीप द्वारा टक्कर मार दी गई। छोटे लाल अहिरवार अपनी बाइक से था और जीप में टेंट का सामान भरा हुआ था। तेज रफ्तार की वजह से आमने सामने की भिड़ंत हुई। 108 के माध्यम से छोटे लाल को नौगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी डायन 108 वाहन द्वारा छोटे लाल अहिरवार को लाया गया था हॉस्पिटल में, उसको एग्जामिनेशन कराया तो देखा मेरे अवस्था में लाया गया। किसानों की समस्याओं को लेकर अब एक किसान संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता दौलत तिवारी करेंगे। इसके लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दौलत तिवारी के साथ साथ जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, आबिद सिद्दीकी और अन्य कांग्रेस नेता भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए दौलत तिवारी ने बताया कि 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक यात्रा हरपालपुर के सरसेड़ से सिंहपुर तक के लिए की जाएगी। इस पैदल यात्रा में लोगों से मुलाकातें और बीच में चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से किसानों की चिंता किए बिना उन पर जो कहर टूट रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से या तो मौसम की बेरुखी की वजह से या फिर कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस बात को लेकर किसान संघर्ष यात्रा में उठाया जाएगा और लोगों के सामने रखा जाएगा। इस मौके पर अदित सिंह, राजेश महतो के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता भी उपस्थित थे। लगभग 100 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जो किसानों के संघर्ष की यात्राएं जो हम लोगों ने चालू की है, उसका प्रथम पड़ाव जो प्रथम चरण है वो महाराजपुर विधानसभा से सरसेड़ से लेकर सिंहपुर तक का रखा गया है। 6 दिन की ये यात्रा है। इस यात्रा में जिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त वरिष्ठ नेता और जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, वो लोग सभी लोग इसमें शामिल हैं। किसानों की जो समस्याएँ हैं, कर्ज माफ़ी के संबंध में, भावांतर के संबंध में, बिजली के बिल जो उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं उसके संबंध में है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही अल्पवर्षा हुई और हमारे बुंदेलखंड में, खास तौर से हमारे ज़िले में, वहाँ सूखा की स्थिति इस समय बनी हुई है। रोज किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर वो अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आया जा रहा है कि उनको कपड़े उतरवा के कहीं जेलों में बंद कर रहे हैं, तो एक तानाशाही जैसी स्थिति है। हमारे ज़िले को जो अल्प सूखा घोषित किया गया है, वो भी एक मुआवजे के नाम पे खाना पूर्ति बस करने का इरादा इस सरकार का है। तो हम लोगों ने एक किसान संघर्ष यात्रा का निर्णय लिया है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा है और जो सरसेड़ से लेकर सिंहपुर तक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान स्वाभिमान यात्रा के तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी ने प्रदेश में लगभग 25 से 30 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पहले की है। उसी तारतम्य में इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे दौलत भाई छतरपुर ज़िले में विधानसभा महाराजपुर से इस बात की निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से गुटबाजी को विराम लगेगा और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि जो बीड़ा दौलत भाई ने उठाया है, हम लोग सब पूर्ण दिलो दिमाग से सहमत हैं और साथ हैं। हम लोग 6 दिन बराबर साथ रहेंगे और मेरी उम्मीद है कि ये गुटबाजी छतरपुर जिले से खत्म होगी। बक्सवाहा में छात्रों का अनशन 4th दिन भी जारी रहा। बमहौरी के हायर सेकेंडरी स्कूल से परीक्षा का सेंटर बक्सवाहा स्कूल कर दिया गया, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं और अब बच्चों की इन परेशानी में ग्रामीणों ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बमहौरी का परीक्षा केंद्र लगभग 20 गांवों को प्रभावित करता था। हायर सेकेंडरी घोषित होने के बावजूद ना तो यहां भवन की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही अन्य व्यवस्थाएं। बावजूद इसके एक बार इसको परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया गया। उस दौरान केवल लोगों की बात रखने के उद्देश्य से घोषित किया गया परीक्षा केंद्र अब बक्सवाहा कर दिया है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने मांग उठाई है। 4 दिनों से स्कूल में ताला डला है। व्यवस्थाएं ना हो पाने की वजह से अब प्राचार्य को हटाने की भी मांग की गई।
SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, उन्होंने बात सुनी लेकिन बच्चों का रुझान बिल्कुल भी नहीं बदला। उनका कहना है कि उनकी मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक वे इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके लिए उन्होंने गांव में एक जागरूकता रैली भी निकाली। चलेगा जब तक हम लोगों की बिल्डिंग नहीं बनेगी, जब तक हमारे यहाँ पर सेंटर नहीं आएगा, जब तक सेंटर नहीं आएगा तब तक हमारा आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ता ही जाएगा, समाप्त होने वाला नहीं है। और जब तक हमारे यहाँ की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग हमें अपने स्कूल की बिल्डिंग भी चाहिए है, और जो प्रशासन सोया हुआ है हम इस आंदोलन के द्वारा उस प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि आइए देखिए हम सारे बच्चे कितने परेशानी में हैं। ईशानगर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि तरपेट बांध पर जो नहर बनाई जा रही है वो उनके खेतों से होकर गुजर रही है। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में हैं और बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, नहर बनाए जाने से उनकी वो जमीन भी चली जाएगी। मुआवजा भले ही मिले लेकिन उनके पास आजीविका का एकमात्र साधन वो जमीन है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि उनके खेतों से नहर ना निकाली जाए। समस्या ये है सर, हमारे लोगों की जमीन से नहर निकल रही है, सिंचित जमीन है और हम लोगों को नहर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग आवेदन आप लोगों को सबको दे रहे हैं, निवेदन यही कर रहे हैं कि हमें नहर नहीं चाहिए। हम लोग नहीं तो बेघर हो जाएंगे, हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, ना किसी के पास नौकरी है ना चाकरी है, गरीब आदमी है, मारे जाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के कई वार्डों में जल संकट गहराया, हैंडपंप पर पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। छतरपुर रेलवे स्टेशन में एक महिला दो नाबालिग बच्चियों के साथ आत्महत्या करने के उद्देश्य से बैठी पटरी पर, लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। जीप और बाइक की तेज रफ्तार भिड़ंत में एक की मौके पर हुई मौत। और 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगी कांग्रेस की किसान यात्रा। नौगांव के कांग्रेस नेता दौलत तिवारी द्वारा सरसेड़ से सिंहपुर तक निकाली जा रही है पैदल यात्रा।